एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? लेकिन आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूं शगुफ्ता अली। और आज बोर्ड स्टेप के एक और एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ टेबल्स, बोर्ड स्टेप के अंदर टेबल्स कैसे कनेक्ट करते हैं। आज हम इसको देखेंगे, कॉलम स्पेंस वगैरह किस तरह से बना सकते हैं, आपको किस तरह से प्राइमरी कलर्स इम्प्लीमेंट करना है, तो आप कौन सी क्वेरी टेबल के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहले मैं अपने वीएस कोड के ऊपर एक जगह डिसाइड कर लूँगी कि जहाँ मुझे पैरेलेक्स को जहाँ मुझे टेबल्स को अटैच करना होगा। सो मैं यहाँ पर आकर सेक्शन बनाया हुआ मैंने, सेक्शन के अंदर मैं सिंपल कॉल करती हूँ टेबल को। मैं आ जाती हूँ सेक्शंस पे, आने के बाद मैं सिंपल टेबल्स पर जाती हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैं यहाँ से जो भी लिंक लेना चाहूँ सिंपल यहाँ से कॉपी करूँगी, वीएस कोड पर आऊँगी एंड सेक्शन के सेंटर में। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर आप इसमें नहीं चाहते और आप कोई भी डिव लेकर, लाइक डिव क्लास लेकर, कंटेनर लेकर, इसी के साथ आप अगेन डिफ क्लास रो ले लें एंड अगेन। फ़िलहाल मैं कॉलम मीडियम 16:6 ले रही हूँ, 6:6 का ईच। ठीक है, यहाँ पर आके क्लोज किया मैंने और इसी को मैं कॉपी राइट कर देती हूँ एंड यहीं पर इसको पेस्ट करा देती हूँ। पेस्ट कराने के बाद मैं यहाँ से नीचे आऊँगी एंड देन कोड की तरफ आऊँगी एंड कॉपी टू क्लिपबोर्ड से कोड को कॉपी करूँगी, जो भी रेलेवेंट टेबल मुझे रिक्वायर्ड है, एंड देन कंट्रोल वी से पेस्ट करूँगी। पेस्ट करने के बाद जब मैं अपने रेलेवेंट पेज को रन कराऊँगी, मेरे पास टेबल इस तरीके से यहाँ पर शो हो रहा है। जिस जगह पे आपने रिक्वायरमेंट दी है टेबल की, टेबल वहाँ पर बनना शुरू हो गया है, लाइक दैट। ठीक है जी, इसी तरीके से अगर मुझे इसके बराबर में भी कॉलम के अंदर टेबल रिक्वायर्ड, तो सेम लाइक दैट मैं अगेन टेबल्स के एरिया पे चली जाती हूँ। लाइक मुझे डार्क टेबल चाहिए, कुछ नहीं करना, सिंपल टेबल डार्क और टेबल स्ट्रिप्स, ये इसको उठाना होता है बस। अगर आपको टेबल डार्क चाहिए तो सिंपल इसी टेबल को अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। टेबल के बाद स्पेस देंगे और वो जो क्लास थी टेबल डार्क की, उसको यहाँ पर टेबल स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स क्या होती हैं, जो लाइन्स आ रही हैं, ठीक है, जो स्ट्रिप्स रोज एंड कॉलम की बनी हुई आ रही हैं। कुछ नहीं किया, सिंपल उसको क्लास को उठा के यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से अगर टेबल प्राइमरी चाहिए क्लास, कुछ नहीं करना, सिंपल कॉपी करना है इसको उठा के और अगेन वीएस पे जाके टेबल प्राइमरी, बाकी डार्क को आप हटा देंगे लाइक दैट। ठीक है, एंड देन अगेन आप इसको रन कराएं। ओके, टेबल के प्राइमरी क्लास ऐड करना पड़ेगी, उसके बाद ही आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि एट्रीब्यूट तो पहले टेबल का ही लगेगा। ठीक है, ये देखिए सिंपल। इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे स्टाइल्स हैं और जब आप इम्प्लीमेंट करना चाहें, सिंपल यू कैन पिक द कोड एज वेल और आप उस तरीके से काम कर सकते हैं। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ, जब तक अपना ख्याल रखें। नाउ देन, अल्लाह हाफिज़।